सब्सक्राइब करें मेरे चैनल प्रियेश गेट प्रिपरेशन ऑनलाइन को और बेल आइकन दबाएं और अपडेट रहें। तो ये जो सर्किट है ये बेसिकली अपने पावर सिस्टम के प्रोटेक्शन सिस्टम में कैसे रहती है उसका एक बेसिक एक लेआउट है। इसमें ये जो आप देख रहे हैं बस बार है। बस बार का मतलब क्या है कि कोई भी सप्लाई लाइन जब पावर सिस्टम से आती है कहीं पर भी तो उसको बेसिकली बस बार कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे वोल्टेज फिक्स रहेगा आपका, फ्रिक्वेंसी फिक्स रहेगा, ऐसा कंसिडर करते हैं। तो ये बस बार से सप्लाई कहाँ जा रही है, लोड की तरफ जा रही है। तो इसके बीच में आपका एक सर्किट ब्रेकर लगा रहेगा। जब भी कोई फॉल्ट होगा लोड में या कहीं पर भी लोड में फॉल्ट होगा तो क्या होगा, करंट बढ़ जाएगा। तो करंट बढ़ेगा तो मतलब फॉल्ट हुआ तो सर्किट ब्रेकर इस बस बार से आपके लोड को आइसोलेट कर देगा, राइट। तो उसका ये अरेंजमेंट है। तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले तो ये जो लाइन है, कौन सी लाइन, बस बार से लेके लोड, इसके बीच की जो लाइन है इसमें एक सीटी लगा रहेगा। सीटी मतलब करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर क्या करेगा कि यहाँ पे सपोज 100 एम्पियर फ्लो हो रहा है, कितना 100 एम्पियर, तो उसका इक्विवेलेंट 1 एम्पियर या नियर अबाउट 1 एम्पियर और 5 एम्पियर में इस तरफ कन्वर्ट करेगा। समझ में आया, ये करंट ट्रांसफार्मर है, पावर ट्रांसफार्मर नहीं, करंट ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन करंट, स्टेप डाउन कर रहा है, यानी यहाँ 100 एम्पियर है, यहाँ पे 1 एम्पियर पे कन्वर्ट कर रहा है। मतलब यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा होगा, यहाँ वोल्टेज कम होगा, तो करंट स्टेप डाउन कर रहा है, करंट स्टेप डाउन। फिर वो करंट इन केस ऑफ फॉल्ट, इन केस ऑफ फॉल्ट क्या होगा, करंट ज़्यादा होगा, यहाँ पे करंट ज़्यादा होगा तो यहाँ पे भी करंट ज़्यादा होगा, नॉर्मल से ज्यादा होगा। तो उस केस में ये जो आर्मेचर है, ये आर्मेचर क्या करेगी, रिले को ट्रिप करेगी, रिले को ट्रिप करेगी। मतलब ये नॉर्मल सिचुएशन में ओपन रहता है, जैसे ही फॉल्ट होता है तो क्या होता है, क्लोज हो जाता है, राइट। सो इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन, राइट। इट इज नॉर्मली ओपन, नॉर्मली ओपन रहता है। फिर जैसे ही ये इसको क्लोज करेगा तो क्या होगा, ये वाली सर्किट जिसको हम सेकेंडरी सर्किट बोल रहे हैं, यहाँ पे ये करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, यस आर नो, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही ये डीसी पे काम कर रहा है, ये करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा तो ये क्या करेगा, सर्किट ब्रेकर का जो कॉइल है, जो एक्चुएटर है, उसको एक्साइट करेगा, एनर्जाइज करेगा। तो यहाँ पे ये जो कॉन्टैक्ट है ये पीछे आ जाएंगे और यहाँ पे सर्किट आइसोलेट हो जाएगी, राइट। तो ये कहाँ मूव करेगा, ये भी इस तरफ मूव करेगा, करेक्ट, और नॉर्मली ये क्लोज रहेगा। समझ में आई बात, दिस इज नॉर्मली क्लोज, दिस इज नॉर्मली ओपन। हेल्दी कंडीशन में ये क्लोज रहेगा, हेल्दी कंडीशन में ये ओपन रहेगा। समझ में आया, हेल्दी कंडीशन मतलब नॉर्मल कंडीशन, दैट इज वेन एवर देर इज नो फॉल्ट, अंडरस्टूड। ये जो सर्किट है ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, समझो। आपको ये भी डाउट होगा कि क्यों डायरेक्टली ये कॉइल को यहाँ लगा दिया, अगर डायरेक्टली इस कॉइल को यहाँ लगा देंगे तो भी तो काम हो जाएगा ना, पर डायरेक्टली नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि ये सेंसिटिव है, दिस इज सेंसिटिव, ठीक है। सेंसिटिव चीज के कॉन्टैक्ट आपको स्मॉल रखने पड़ेंगे, राइट। सपोज देर इज अ बिग कॉन्टैक्ट, ये मेरे एक हाथ का कॉन्टैक्ट है, ठीक है, सपोज दिस इज वन कॉन्टैक्ट, राइट। तो इसको आइसोलेट होने में ज्यादा टाइम लगेगा ना कंपेयर टू दिस कॉन्टैक्ट, इजंट इट और नॉट। सो स्मॉल कॉन्टैक्ट्स आर मोर सेंसिटिव, इज इट और नॉट। सो दैट्स व्हाई
ये जो कॉन्टैक्ट है ये बहुत छोटा है, ये सिर्फ ट्रिगर करेगा, समझ में, इसकी पावर रेटिंग बहुत कम है। एक और क्या होता है, करंट ट्रांसफार्मर का बर्डन, तो आप इसको बर्डन ज्यादा नहीं दे सकते, ठीक है, ये सिर्फ सेंस करेगा, एक्चुएट कौन सा करेगा, ये करेगा, राइट। तो प्राइमरी सर्किट का फंक्शन यहां दिया हुआ है, सेंसिंग फॉल्ट थ्रू सीटी, इट विल सेंस द फॉल्ट थ्रू सीटी, दिस इज प्राइमरी सर्किट पीसी, यहां पे लिखा हुआ, हाँ, एंड इट इज हाईली सेंसिटिव, सेंसिटिव हाई है इसका मतलब इसके कॉन्टैक्ट बहुत छोटे होते हैं, ज्यादा करंट कैरी नहीं कर सकते, करेक्ट। सो इट ट्रिगर सेकेंडरी सर्किट फॉर ब्रेक द सर्किट, इट ट्रिगर, जैसे ही ये नीचे जाएगा, नॉर्मली ओपन से नॉर्मली क्लोज में जाएगा, एक सिग्नल मिलेगा इस सर्किट को, और उससे ये सर्किट ब्रेकर का आइसोलेट एक्चुएटर काम करेगा और ये आइसोलेट कर देगा, राइट। सेकेंडरी क्या है, ऑफकोर्स आइसोलेट करना, हाई पावर सर्किट है और ये डीसी सप्लाई पर काम करते हैं। डीसी कहां से आता है, डीसी कहां से आता है, बैटरी से, राइट। बैटरी जो पावर प्लांट में रखी जाती है 110 वोल्ट के करीब होती है, कैसे, 2 वोल्ट की 55 बैटरी, ठीक है, बैटरी रूम होता है उसमें बैटरी रहती है, प्रोटेक्शन सिस्टम के लिए बैटरी रहती है, समझ में आया। सो दिस इज द ओवरऑल लेआउट ऑफ आवर प्रोटेक्शन सिस्टम इन आवर पावर सिस्टम, क्लियर, एनी डाउट।